हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बाली है और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं। केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान। काफी टाइम हो चुका है कि मैंने कोई अपनी वीडियो नहीं डाली है, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं उस दिक्कत को दूर करने के लिए आया हूँ। तो आइए, मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेके आया हूँ। वो गुड न्यूज ये है कि मुझे पता है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, मुझे पता है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, और उन एग्जाम्स कि आपकी तैयारी के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आया हूं। प्लस टू के एग्जाम पेपर्स में, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के रिगार्डिंग, मैं चैप्टर वाइज उनकी आपकी यहां पर बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर तैयारी के लिए आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन सॉल्यूशन से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉल्यूशन चैप्टर में जो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज हेनरीज कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास पी नॉट ए, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास के एच, थर्ड ऑप्शन हमारे पास एक्स ए, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास पी बी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा उलझा गया है। पी नॉट ए क्या होता है? P नॉट A होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। एक्स ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी बी होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, एंड के एच मतलब हेनरी, के मतलब कांस्टेंट। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूं, के मतलब कांस्टेंट और एच मतलब हेनरी, तो इट मींस के एच है हेनरीज कांस्टेंट। तो यहां पर हम इसे सेकंड ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इन बिटवीन फॉलोइंग सॉल्यूशन, इन बिटवीन फॉलोइंग सॉल्यूशंस विच विल शो नेगेटिव, डेविएशन। मैं इसको अंडरलाइन आपके सामने कर रहा हूं कि नीचे मैं आपके सामने चार सॉल्यूशन का नाम लिखूंगा और चारों सॉल्यूशन में से आपने बताना है कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। चारों सॉल्यूशन में से आपने बताना है कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो पहला मेरे पास ऑप्शन है CHCl3 plus CO CH3। पहला ऑप्शन है CHCl3 plus CH3 CO CH3। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास C2H5OH इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन थर्ड ऑप्शन हमारे पास मिथेनॉल प्लस बेंजीन फोर्थ ऑप्शन हमारे पास टोलीन प्लस इथाइल बेंजीन।
आपको एक बार दोबारा से बताता हूं, ये क्वेश्चन है मेरे पास, नीचे दिए गए सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स होने के बाद किसमें वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन का जिक्र थोड़ा बाद में करेंगे, सेकंड ऑप्शन है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे इथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं वो साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देता है, कि साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करता है, इससे उसका वेपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है, इससे उसका वेपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नष्ट हो जाती है। वैसे ही मिथेनॉल में होता है, मिथेनॉल होता है CH3OH, मिथेनॉल होता है CH3OH, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे इसमें बेंजीन मिलाते हैं ये मिथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खत्म कर देता है, ये मिथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, तो इससे भी क्या होता है मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। टोलीन प्लस इथाइल बेंजीन, टोलीन प्लस इथाइल बेंजीन ना तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं ना तो नेगेटिव डेविएशन, अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन आते हैं, ये दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन आते हैं। अब आते हैं CHCl3 प्लस CH3COCH3 पर, जहां ध्यान से देखिएगा CHCl3 ये तीन जो हैलोजन एटम्स हैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है, इस वजह से ये कार्बन इस H से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस H पे क्या चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, इस H पे क्या चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। अब इसमें डाला एसीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, आपको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे पास पास, ये अट्रैक्शन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये अट्रैक्शन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इस अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या आ गए हैं पास पास आ गए हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए हैं तो इनको टेम्परेचर ज्यादा देना होगा बॉइल होने के लिए, इनको बॉइल होने के लिए हमें क्या अप्लाई ज्यादा होना होगा, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वेपर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, इट मींस इट विल शो कौन सी डेविएशन, इट मींस इट विल शो नेगेटिव डेविएशन। तो सही आंसर हमारे पास फर्स्ट, तो सही आंसर हमारे पास फर्स्ट। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, तो आइए हम आपके सामने थर्ड क्वेश्चन लेकर आते हैं इसी चैप्टर का, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, ये है वो क्वेश्चन, इन बिटवीन फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स, इन बिटवीन फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स, विच डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। दोबारा से देख लीजिए, इन बिटवीन फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स, इन बिटवीन फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स विच डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे पास जो पहला ऑप्शन है यहां पर नॉर्मैलिटी, पहला ऑप्शन है मेरे पास नॉर्मैलिटी, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास मोलैरिटी, पहला है नॉर्मैलिटी, दूसरा मोलैरिटी, थर्ड है मेरे पास मोलैलिटी, थर्ड है मेरे पास मोलैलिटी और फोर्थ है मेरे पास फॉर्मैलिटी, फोर्थ है मेरे पास फॉर्मैलिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले सभी की डिफाइन पता होनी चाहिए, बेसिक डिफाइन है क्या। तो नॉर्मैलिटी की जो डेफिनेशन होती है, नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन कहती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, द
डिसॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ध्यान से देखिए इसमें सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट की बात हुई है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम की बात हुई है लीटर में, तो मास की तो बात हुई नहीं है इसमें। मोलैरिटी पे आते हैं, मोलैरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट के मोल्स की बात हो रही है डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां पर भी मास ऑफ सॉल्यूट की बात नहीं हुई है। थर्ड है मोलैरिटी, थर्ड है मेरे पास मोलैरिटी, मोलैरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हां जी, तो आपके सामने बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि मैंने भी क्या बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो न्यूमिनेटर में अपॉन में क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो देखिए जी मास ऑफ सॉल्वेंट की बात किसमें आ रही है मोलैरिटी में आ रही है, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात किसमें आ रही है, तो मैं यहां पर ऑप्शन 3 को क्या कर देता हूं टिक कर देता हूं। फॉर्मेलिटी मैं आपको याद रखने के लिए बता देता हूं, फॉर्मेलिटी क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट डिसॉल्वड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास के हिसाब से कितने ग्राम होंगे उसको 1000 ml सॉल्यूशन लीटर बना देना है। तो एक और मैं इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको एडिशनल क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन के बेस पर मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि नॉर्मैलिटी का सिंबल क्या होता है, आ सकता है एग्जाम्पल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी का सिंबल होता है एन, नॉर्मैलिटी का सिंबल होता है एन, मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम, मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम, मोलैरिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम, मोलैरिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम, फॉर्मेलिटी का सिंबल होता है एफ, फॉर्मेलिटी का सिंबल होता है एफ। वैसे कई बार एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन, मैं आपको इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के टर्म्स में बताता हूं ताकि आपको ज्यादा हो सके क्लियर। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द सिंबल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होगा। तो आइए मेरे पास मैं आपको ऑप्शंस को लेकर चलता हूं, जो मेरे पास पहला ऑप्शन है वो है जेड, दूसरा ऑप्शन है एक्स, थर्ड ऑप्शन है वाई और फोर्थ ऑप्शन है सी, फोर्थ ऑप्शन है सी। तो याद रखिएगा जेड जो होता है वो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो प्लस वन में, जो प्लस वन में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक्स होता है सॉल्यूशन चैप्टर में प्लस टू में, एक्स होता है सॉल्यूशन चैप्टर में प्लस टू में जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, तो मैं इसे यहां पर टिक कर देता हूं एक्स को। और वाई, वाई किसी चीज का सिंबल नहीं है, सी, सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास कंसंट्रेशन, सी क्या होता हमारे पास कंसंट्रेशन। तो x, x क्या सिंबल मोल फ्रैक्शन का, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा गया तो उसे बोलते हैं xA, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होता है xA, क्योंकि A इज द सिंबल ऑफ सॉल्वेंट इन केमिस्ट्री, A इज द सिंबल ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री। और अगर सॉल्यूट का पूछा गया सिंबल तो वो क्या होता है xB, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का सिंबल। तो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, तो आइए आपको 5वें क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो जी हां, हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, आइए हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में मेरे पास क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4,
हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन है 0.5 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 0.5 मोल्स, फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 0.1 मोल्स, थर्ड है 5 मोल्स और फोर्थ ऑप्शन है 0.05 मोल्स। तो ये करने के लिए हमें न्यूमेरिकल में निकालना है यहां पर कि 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स होंगे। तो पहले हमें मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेपर में हम तभी कर पाएंगे जब हमें मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता होगा। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा हमारे को 4.9, न्यूमेरिकल में हमारे को क्या दे रखा है गिवन मास कितना है 4.9 ग्राम। अब मोलर मास H2SO4 का हमने क्या निकालना है, मोलर मास। तो ध्यान से देखिएगा H2SO4 एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, 1 × 2 प्लस सल्फर का मास होता है 32 और सल्फर सिर्फ एक है तो 32 का 32 रहेगा प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 तो 16 × 4। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98। तो मोलर मास मेरे पास कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का 98। तो मैंने यहां पर ये पुट कर दिया, इसका पॉइंट हटाएंगे यहां ये नीचे आएगा 49 बन जा 49, 49 टू जा 98, तो 1/20 आप सॉल्व करके देख सकते हैं 1/20 कितना होता है, 1/20 इज इक्वल टू 0.05। तो आंसर क्या हमारे पास ऑप्शन 4, आंसर क्या हमारे पास ऑप्शन 4 0.05 मोल्स। इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा, मोल्स निकालने वाला कंसेप्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बार बार आ रखा है, हर बार आ रखा है एग्जाम में, तो जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए आपको ये पांचों क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको पांचों क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा ये बोले कि ये शेयर करें ताकि आप सभी का भला हो सके। और थैंक यू वेरी मच। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आप सभी का प्यार मिलता है, मेरा हौसला बढ़ता है, मैं लगातार ये वीडियोस डालता रहूंगा। ये मैंने आज सॉल्यूशन चैप्टर की डाली है और कल मैं ये वीडियो इससे नेक्स्ट चैप्टर की डालता रहूंगा, जिससे आपका एग्जाम के लिए MCQ क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन होती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।